गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो वहां से एक क्वेश्चन है व्हाई डू नोट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इज अदर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती देखो यहां पर हमने किया है कि ये होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से कर्वड लाइन है जो ये दूसरी हमने मानी इसको और ये आपस में इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है दो टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती हैं और जो टेंजेंट लाइन क्या बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि पॉसिबल नहीं होता इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देअर विल बी टू टेंजेंट्स कितनी टेंजेंट लाइन्स होंगी भाई दो दिस मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार पेपर में आया है ये नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेशन फोर पॉजिटिव चार्ज या वेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो कोई चीज जीरो से बड़ी है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी आउटवर्ड होंगी भाई बाहर की तरफ लाइन्स विल अवे फ्रॉम द चार्ज सेकेंड फोर नेगेटिव चार्ज या वेन चार्ज इज लेस देन जीरो कोई चीज जीरो से कम है तो नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्ड होंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है इन्वर्ड अंदर की तरफ होंगी पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज नेगेटिव चार्ज के अंदर इन साइड द चार्ज ठीक है नेक्स्ट है थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केस ऑफ टू चार्ज दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डिस्कस करेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव चार्ज के अंदर इनवर्ड होंगी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे स्टार्ट होंगे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज ये बहुत पॉजिटिव अब लाइक चार्जेज है हमेशा रिपेल करते हैं तो इस तरीके से आउटवर्ड तो होंगे लेकिन आपस में क्या करेंगे ये रिपेल फॉर ए सीट ऑफ चार्ज तो ये सीट है हमारे पास एक ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव तो पॉजिटिव टू तो नेगेटिव इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ए ग्रुप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ए और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज मान माली हमने देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चार्ज तो इक्वल है क्यू एंड क्यों चार्ज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट है एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है पॉजिटिव चार्ज ठीक है स्मॉल डिस्टेंस टू ए टू ए डिस्टेंस क्या क्यों ली द डिस्टेंस टेकन टू ए बिकॉज वी कैन फाइंड आउट अदर एक्सप्रेशन इजली कि आगे के जो एक्सप्रेशन है वो हम उनको आसानी से फाइंड आउट कर सके ठीक है भाई नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू लेंथ ऑफ डायपोल लेंथ ऑफ डायपोल लेंथ कितनी ली थी हमने अभी टू ए चार्ज कितना मैग्नीट्यूड चार्ज क्यों उू डो टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर यूनिट क्या होगी चार्ज यूनिट कुलाम टू ए क्या है लेंथ है। ले, और लेंथ है और की यूनिट क्या होती है मीटर कुलाम मीटर नेक्स्ट टॉपिक इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्जे लाइन अब देखो जो अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट हो वो एक्स लाइन जो भी इसके परपेंडिकुलर हो वो होता है इक्विटोरियल लाइन वो हम डिस्कस करेंगे कल आज डिस्कस करते हैं सिर्फ एक्ज लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल तो इसके लिए हमने सबसे पहले कंसिडर किया कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ टू इफ ओ इज द मिड पॉइंट ओ क्या है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट है वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड देन डिस्टेंस ओ एंड पी इज आर डिस्टेंस कितनी हमने कंसिडर की ओ से पी तक की कि कितनी माननी आर अब देखो नेगेटिव चार्ज है क्यू और पॉजिटिव चार्ज बी के ऊपर कितना भी प्लस क्यू चार्ज है तो हमने अभी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है नेगेटिव चार्ज की तरफ इन्वर्ड होती है तो देखो यहां से ई e ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के तरफ चल रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट ठीक है ये देखो भाई ये इसके हाँ तो e मतलब एरो e क्या है भाई बाहर की साइड है अलोंग एक्स है तो ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट मतलब बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से ई ए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट के ऊपर चार्ज है ठीक है लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे ई ए प्लस ई बी लेकिन हम ये देखेंगे कि जो P पॉइंट है और B पॉइंट के बीच में लेस डिस्टेंस है कम दूरी है जबकि A और P के इसलिए E B इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा E A से सो इन मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम पहले वेक्टर के अंदर लिखते हैं ई ए वन बाई फोर पाइफ सेवन नोट ए पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ए पी स्क्र अब हमने ये टॉपिक क्या था एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वहां से फॉर्मूला आया था वन बाई फोर फाइ एव सोट क्यू डिड बाई आर स्क आर की डिस्टेंस थी जहां से लेकर जहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ठीक है तो ये तो होगा भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज से लेकिन हमारे पास इस टॉपिक के अंदर ए पॉइंट के ऊपर चार्ज कैसा है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए से लेकर पी तक हमने निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगी ए पी और इसका स्क्यर एपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहां देखेंगे ए पी ए से लेकर पी तक ओ पी हमें पता है ओ पी मतलब यहां तक की वैल्यू आर है इसके अंदर अगर हमने ओ ए जोड़ दें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ ए कितनी हो जाएगी भाई ओ पी प्लस ओ ए तो इसको हमने लिख दिया एपी को ओपी प्लस ओ ए मीन्स आर प्लस ए आर प्लस ए वैल्यू रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी प्लस की पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है और इक्वेशन वन सिमिलरली एज ई बी की वैल्यू निकाल लेंगे बी पॉइंट के ऊपर प्लस ही चार्ज है तो ऑलरेडी इन मैग्नीट्यूड है बीपी की वैल्यू को क्या लिखेंगे भाई यहां देखेंगे डायग्राम के अंदर हमने वैल्यू निकालनी है बी से पी तक की तो ओपी में से क्या घटा दे हम ओ की वैल्यू को घटा दें तो वैल्यू किसकी मिलेगी आपको बीपी की वैल्यू मिलेगी तो लिख दिया हमने बीपी को ओपी माइनस ओ बी आर माइनस ए तो ई बी कितना हो जाएगा भाई ये वैल्यू होगी हमारे पास इक्वेशन टू अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल भी, भी क्या है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड बी है वो क्या होगा ज्यादा है ई ए से और देखेंगे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट और अपोजिट के लिए क्या यूज करेंगे हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे भाई वैल्यू रखेंगे हम ई बी की वन बाय फोर पाई एफ नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर पाइफ एलो नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन है कॉमन वैल्यू क्या है वन बाय फोर पाई एफ सलो नोट क्यों वन बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम लिया भी हमने इसका एलसीएम है आर बाई इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अब देखो प्लस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सिमिलर क्या बचेगा आर माइनस ए का होल अब यहां से क्या करेंगे भी हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे इसका ए प्लस बी का होल के फॉर्मूले से तो आर स्क्र प्लस, प्लस ए स्क्र प्लस टू आर ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्र माइनस टू आर ए डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्यर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ठीक है माइनस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो जो इसके साइंस है वो चेंज हो जाएंगे अंदर के और सिमिलर जो वैल्यू है अपोजिट की माइनस है ये प्लस है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से तो टू आर ए प्लस टू आर ए को हम क्या लिख सकते हैं फोर आर ए या फोर ए आर लिख सकते हैं ठीक है तो देखो फोर को क्या लिख सकते हैं हम फोर को भाई टू इंटू टू लिख सकते हैं और ए आर लिख सकते हैं तो टू ए डॉट टू आर लिख सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्यर का होल स्क्वायर तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट का क्या डॉट टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाई पी वैक्टर तो टू पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्र का होल स्क्र ठीक है ये इक्वेशन फोर है अलोंग पी जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट के साइड में है ठीक है स्पेशल केस क्या इफ आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए मतलब ए की वैल्यू भी स्मॉल आर से तो ए स्क्र इज नेग्लेटेड फ्रॉम इक्वेशन फोर ए स्केयर को नेगलेट करेंगे तो हम वन बाय फोर फाइव एफ से ले नोट टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्र का स्केयर आर की पावर चार और एक आर से कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब तो वन बाय फोर फाइव से ले नोट टू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब ये आंसर है